तो भाई अभी हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं सीवी रमन, चल के वहाँ आपको दिखाते हैं। ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूरी पे है, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। यदि आप कहीं आउट स्टेशन से आ रहे हो तो अच्छा होगा आप गवर्नमेंट बस, उड़ीसा जो गवर्नमेंट बस मो बस है, आप उसका सेवा ले सकते हो या फिर रेपिडो ओला वगैरह भी बुक कर सकते हो। तो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सीवी रमन का कैंपस है। स्टूडेंट लोग से चलते हैं, बात करते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है। तो हमारे साथ एक भैया हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? अभिरु कुमार सिंह। कहाँ से हो? हम रांची से हैं। अब अभी भुवनेश्वर में हम यहीं हॉस्टल में रहते हैं और अभी कंप्यूटर साइंस का मैं बीटेक कर रहा हूँ। ये आपका भुवनेश्वर स्टेशन से कितना डिस्टेंस पे होगा? अप्रॉक्स 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर लंबा। तो आप अगर कोई बाहर से आता है, अदर स्टेट से, तो यहाँ कैसे पहुँचेगा? पहले तो स्टेशन से जैसे अगर आप आएंगे तो सीधा आपको वहाँ पे मो बस मिल जाएगा, वहाँ से बस पकड़िए आप आ जाइए। अगर मो बस नहीं मिला उस वक्त तो लोकल बस बहुत सारे चलते हैं, और अगर आप बस आ रहे हैं तो बरमुंडा बस स्टैंड से आप यहाँ के लिए बस पकड़ लीजिए। और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है? प्लेसमेंट रिकॉर्ड जहाँ तक मुझे पता है बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ का। फीस बहुत ज़्यादा, फीस के हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट वर्थ इट है जहाँ तक हम कहना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू माय सीनियर्स जो वो तब बताया। यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर 1.75 लगता है पर ईयर, पर यहाँ पर बीटेक। और यहाँ कौन कौन सा ब्रांच वगैरह है? कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ब्रांच है, डेटा साइंस है, AIML है, CSIT है, CSE सॉफ्टवेयर है, मतलब लिस्ट बहुत बड़ा है कंप्यूटर साइंस में अकेले। और केमिकल भी है, सिविल है। कुछ कैंपस के बारे में बोलना चाहेंगे? कैंपस तो बहुत सुंदर है, नो डाउट बहुत सुंदर है। गर्मी के वक्त थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी बहुत सुंदर है। हॉस्टल का खाना वगैरह, मेस का खाना? देखिए हॉस्टल का खाना तो सब जगह सेम होता है, फिर भी बेहतर है। तो कुछ स्टडी करिकुलम के बारे में बता सकते हो? अकेडमिक्स यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट है, रिग्रेस भी है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में आते हैं, आपको आते के साथ आपका मिड सेमेस्टर चालू हो जाता है, उसके बाद आप कभी ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, कभी भी टेस्ट ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा रेडी होना पड़ेगा क्योंकि अकेडमिक्स यहाँ का बहुत हार्ड है। लेकिन उस हिसाब से टीचर लोग का सपोर्ट भी मिलता है, चाहेंगे कि ऑल इन ऑल गुड है अकेडमिक्स। इस कॉलेज में मेजोरिटी आपको क्या लगता है, उड़िया लोग का ज़्यादा है या नॉन उड़िया? उड़िया लोग ज़्यादा है। थैंक यू।